हाँ दोस्तों, गुड मॉर्निंग। लाइव आ जाए, बराबर टाइम हो चुका है अपना, क्लास का टाइम हो गया है, बिल्कुल 10:02 हो गए हैं, 2 मिनट ज्यादा हो गए हैं, फटाफट लाइव आ जाएं। हाँ सारे बच्चे लाइव आ जाएं, फटाफट लाइव आ जाएं, फिर सेशन को आगे बढ़ाते हैं अपन। हाँ बिल्कुल सिसरा मीणा, गुड मॉर्निंग। ओके गुड मॉर्निंग। हाँ दोस्तों, जैन अकेडमी पोर्टल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। फटाफट लाइव आ जाएं, फिर सेशन को आगे बढ़ाएंगे। आज अपना जो है वो है इंडक्शन टाइप, क्या वाट मीटर। कल अपन ने पढ़ा था डायनमो टाइप वाट मीटर, आज अपन पढ़ेंगे इंडक्शन टाइप वाट मीटर। जो अपन ने कल तक पढ़ा था वो वाट मीटर एसी और डीसी पर काम कर रहा था ना, दोनों सप्लाई पर काम कर रहा था, पर आज अपन प्रॉपरली ऐसा मीटर पढ़ने वाले हैं जो ओनली फॉर एसी की पावर मेजर करेगा। क्या करेगा? एसी की पावर मेजर करेगा, उसके बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है कि फटाफट वीडियो को शेयर कर दें और जिससे और बच्चे भी कनेक्ट हो जाएं। ओके, तो फटाफट वीडियो को शेयर करें, टाइम वेस्ट ना करते हुए सेशन को आगे बढ़ाएंगे यार। हाँ तो सारे बच्चे ने शेयर कर दिया हुआ वीडियो को। यार लाइव बहुत कम आते हैं, क्या प्रॉब्लम चल रही है? रोजाना ये बात आपको बोलनी पड़ती है, ऐसा तो कुछ बोलना ही नहीं चाहिए यार, बस फटाफट लाइव हो जाना चाहिए। करें स्टार्ट, आगे देखें। ओके मुकेश गुजर, गुड मॉर्निंग। ओके तो बेटा, जो लाइव बच्चे हैं उनको कल तक जो डाटा पढ़ाया है कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आप प्रॉपरली नोट्स बना रहे हो उस चीज के? क्योंकि यार इस बार अपने को कुछ इस लॉकडाउन पीरियड के अंदर अपने को कुछ ना कुछ हासिल करना है, मतलब जॉब लगना है, तो अपने टेक्निकल इस प्रकार से इतनी मजबूत कर लेनी है कि आगे जब भी अपनी वैकेंसी आए तो प्रॉपरली अपना सिलेक्शन हो जाना चाहिए। ओके राम राय मीणा, गुड मॉर्निंग। ओके आगे, और बच्चे फटाफट वीडियो को शेयर करते रहें, फिर सेशन को आगे बढ़ाएंगे अपन। कल तक कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी बच्चे को, कमेंट करके जरूर बता दें बेटा मेरे को कि हाँ कोई भी बच्चे को प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, फटाफट कमेंट करते हैं बेटा, टाइम वेस्ट ना करके फिर आगे बढ़ेंगे अपन। स्टार्ट करेंगे इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर, इंडक्शन टाइप वाट मीटर। कोई प्रॉब्लम नहीं है? ओके तो देखें, चलो आगे स्टार्ट करते हैं अपन आज इंडक्शन टाइप वाट मीटर। हेडिंग डालें बेटा आप भी, इंडक्शन टाइप वाट मीटर। देखें इंडक्शन टाइप वाट मीटर में क्या होता है। ओके तो करें रन थोड़ा सा आगे कि इंडक्शन टाइप वाट मीटर, पहले तो बात सुनना कि इंडक्शन टाइप वाट मीटर है वो ओनली फॉर आपकी एसी पावर को मापने के काम आएगा। ओके काम बिल्कुल बेटा आपको अगर डायनमो टाइप वाट मीटर अगर थोड़ा समझ में आया था, नहीं आया तो मेरे को कमेंट करना बेटा, कुछ प्रॉब्लम हो तो मैं उसको दोबारा बता दूंगा लास्ट में। क्योंकि अगर आपको डायनमो टाइप वाट मीटर अच्छी तरह से पकड़ में आ चुका है तो इंडक्शन टाइप वाट मीटर पकड़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं करना। उसमें भी अपन 2 कॉइल यूज कर रहे थे, इसमें भी 2 कॉइल यूज करेंगे, बस इसमें एक चीज अलग आ जाती है कि इसमें एक एल्यूमिनियम की डिस्क घूमती है, उसमें अपने पास मूविंग कॉइल घूमती थी। ओके तो बेटा बहुत कम लाइव आ गई, फटाफट वीडियो को शेयर कर दो यार, जितने भी अभी व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह है। गोकुल यादव, गुड मॉर्निंग। ओके निरंजन सिंह, गुड मॉर्निंग। आगे चलें, तो आगे चलते हैं अपन। सबसे पहले अपने को याद रखना है जो इंडक्शन टाइप वाट मीटर है ये कौन से सप्लाई पे काम करता है। ओके तो याद रखें कि इंडक्शन टाइप, नोट कर लें बेटा साथ साथ में इसको, इंडक्शन टाइप वाट मीटर ओनली एसी सप्लाई की पावर मापने के काम आता है, डीसी की नहीं मापेगा, ओनली पावर मापेगा। ओके चले आगे, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं,
नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो कोई भी मीटर हो आपका, भला इंडक्शन मीटर हो, भले कोई सा भी मीटर हो, तो मैं लिख देता हूं इंडक्शन टाइप हो या फिर आपका डायनमो टाइप हो, वाट मीटर होता है ना, जो क्या करता है आपकी रियल पावर, ब्रैकेट में लिख दें वास्तविक शक्ति का, वास्तविक शक्ति का मापन करता है। हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए बेटा, नाम में इंडक्शन आ रहा है तो इसका प्रिंसिपल क्या रहेगा, मैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, तो नोट करके लिख दें बेटा इसको भी, वीडियो को ज्यादा शेयर जरूर करते रहें क्योंकि बहुत कम लाइव आए हैं यार, और टेक्निकल टीम से रिक्वेस्ट है कि ये थोड़ा सा अपने उस ग्रुप में भी सेंड कर दें, टेलीग्राम ग्रुप पे। और जो बच्चे टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं जुड़े हुए हैं वो अभी आपको टेलीग्राम ग्रुप का नीचे लिंक सेंड किया जा रहा है, उसको ज्वाइन कर लें बेटा। ओके, और जो बच्चे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके, जो लाइव है वो वीडियो को लाइक जरूर करें। आगे चलें, आगे लिखें कि जो इंडक्शन टाइप, मैं कुछ चीजें लिखवा रहा हूं फिर बेटा इसके बारे में पढ़ेंगे अपने, मीटर के बारे में अच्छी तरह से डायग्राम बना के इसकी वर्किंग देखेंगे, किस प्रकार से काम करता है, कैसा इस पर फोर्स सप्लाई होता है, कैसे कंट्रोलिंग होता है। ओके, तो याद रखें कि इंडक्शन टाइप वाट मीटर मैग्नेटिक इंडक्शन चुंबकीय प्रेरण, देखिए नाम में इंडक्शन आ रहा है ना, तो क्या करेगा ये इंडक्शन टाइप वाट मीटर मैग्नेटिक इंडक्शन चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत या फिर प्रिंसिपल पर वर्क करता है, याद रखना है। क्वेश्चन पूछ लिया जाए इंडक्शन टाइप वाट मीटर किसके तरह मतलब कि किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो मैग्नेटिक इंडक्शन पे करेगा, चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर अपना ये क्या करेगा, काम करेगा। ओके, तो यहां तक नोट करें फिर अपन थोड़ा आगे चलते हैं इसमें। बिल्कुल, आपका टेलीग्राम पर निरंजन बोल रहे हैं कि टेलीग्राम पर आप ज्वाइन नहीं हो तो कैसे ज्वाइन करें, कि अभी आपको टेलीग्राम देखें नीचे आपको एक सेंड किया जा रहा है लिंक, उस लिंक को आप जैन अकेडमी द्वारा देखो, जैन अकेडमी से एक मैसेज मिलेगा, उस लिंक को जैसे ही आप ओपन करोगे तो उसमें आएगा ज्वाइन का ऑप्शन, ज्वाइन कर लेना बेटा, आप वहां पर ऐड हो जाओगे। ओके, क्योंकि वहां पर आपको जो भी पीडीएफ प्रोवाइड करवाई जाती है, इवनिंग अपनी जो क्लास रहती है वो प्रीवियस ईयर जेई पेपर सॉल्यूशन मिलता है वहां पर, तो वो पीडीएफ जो है आपको इसी टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगी। और साथ में और बच्चे भी हैं अगर क्लास नहीं ले रहे हैं उनके लिए भी इस ग्रुप को ज्वाइन करवाएं, क्योंकि अच्छे इसमें क्यूज चलती रहती है, बच्चे डिस्कस करते हैं तो यार अपना नॉलेज इंप्रूव होता है, और साथ में आपको जितनी भी पीडीएफ वगैरह है वो आपको मिलती रहेगी। ओके, इसमें कोई भी डाउट आता है तो वहां पर मैं इस चीज को सॉल्व करवाता हूं। चले आगे, तो आपको याद क्या रखना है कि इंडक्शन टाइप वाट मीटर मैग्नेटिक इंडक्शन पर वर्क करेगा, तो मैग्नेटिक इंडक्शन पर वर्क करेगा तो बेटा ये किसके प्रकार का दिखेगा, ये किस प्रकार से प्रिंसिपल या किस मोटर की तरह होता है, अगर अपन बात करें तो ये सिंगल फेज इंडक्शन की मोटर की तरह काम करता है, ठीक है ना। तो इसको भी नोट करके आप लिख दें, इंडक्शन टाइप वाट मीटर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की तरह मोटर के प्रिंसिपल पर लिख रहे हैं, मोटर की तरह वर्क करता है, ठीक है ना। जो प्रिंसिपल आपका सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में यूज करते हैं ना, उसी प्रकार का अपन किस में करेंगे, इंडक्शन टाइप वाट मीटर में करेंगे। कैसे करेंगे बेटा, मैं बताऊंगा ये चीजें, कुछ नॉर्मल चीजें हैं वो मैं लिखवा देता हूं। ओके, इंडक्शन की तरह वर्क करता है। ओके, क्योंकि दो तीन चीजें आपको मेन है ये लिखवानी पड़ेगी, इससे ही अपन क्या कर सकते हैं, समझने की कोशिश कर सकते हैं इंडक्शन टाइप वाट मीटर को, क्योंकि अपन थोड़ी देर में डायग्राम बनाने वाले हैं। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं चल रही है बच्चा, तो कोई दिक्कत नहीं है तो थम्स अप का साइन जरूर सेंड कर दें। ओके, तो यहां पर निरंजन सैनी बोल रहे हैं, ओके बिल्कुल, चले आगे। आगे नेक्स्ट देखते हैं अपन,
आगे देखें बेटा, नेक्स्ट की बात करते हैं अपन, और इसमें अपने को क्या क्या याद रखना है, स्क्रीनशॉट लेते रहें, साथ साथ में अपने नोट्स रेडी करते रहें, ठीक है ना बेटा, क्योंकि आगे जो भी आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे यहीं से पूछे जाएंगे जो मैं लाइनें लिखवा रहा हूं। आगे अपन बात करते हैं, थोड़ा सा मैं डायग्राम बनाता हूं फिर मैं आपको बताऊंगा। इसमें भी आपके देखें, याद रखें कि जब अपन डायमोटाइप वाट मीटर पढ़ा था, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा वो जैन अकेडमी पोर्टल पर जाकर प्ले लिस्ट में आप वीडियो को देख सकते हो, आपको मिल जाएगा वहां पर। अगर मैं वहां पर भी डायनमोटाइप में बात करूं तो मैंने दो कोयल यूज कर रहा था। कौन कौन सी? एक तो अपन करंट कोयल ले रहे थे, एक अपन प्रेशर कोयल ले रहे थे, है ना, मूविंग कोयल ले रहे थे। अब वहां पर याद रखना, डायनमोटाइप में तो उसका नाम मूविंग कोयल था या प्रेशर कोयल था, पर जब इंडक्शन टाइप वाटमीटर आ जाता है तो याद रखना प्रेशर कोयल को मूविंग कोयल के नाम से नहीं जानते। क्यों? वो मूव नहीं करेगी। कैसे? मैं डायग्राम बनाता हूं, इसके अकॉर्डिंग आपको समझाऊंगा, ध्यान से सुनना बेटा। डायग्राम अगर आपको इजीली समझ में आ गया तो बेटा इससे कोई भी क्वेश्चंस आपका गलत नहीं होने वाला है, क्योंकि मीटर में इंपॉर्टेंट है डायग्राम, ठीक है ना। रेडी, चलते हैं आगे। देखें सबसे पहले क्या करना है कि मैंने ई प्रकार की, ये एक क्या ले लिया, ई प्रकार का मैंने एक बॉबिन बना लिया, कोर बना ली। ओके, बॉबिन कह दो, कोर कह दो, कुछ भी कहे, ये अपनी किस प्रकार की बॉबिन है? ई प्रकार की। बेटा दिखाई दे रही होगी, ई प्रकार की लग रही है नहीं लग रही? ये लो, एक अपने को बॉबिन लेनी है सी प्रकार की। कैसे? इसके जस्ट नीचे, बेटा कमेंट आ रहा था कि टेलीग्राम ग्रुप कैसे ज्वाइन करें, प्रॉपरली ज्वाइन हो चुका है ना आपका, आ गया होगा समझ में। ये मैंने एक सी प्रकार की कॉइल ले ली, क्या बना रहा हूं मैं? इंडक्शन टाइप वाट मीटर बना रहा हूं। ले ली बेटा, कुछ नहीं करना, ले लिया। अब बात करें कि मेरे को इसमें सप्लाई देनी थी, तो अपने पास दो तार मौजूद होते हैं। सिंगल फेज सप्लाई की मैं बात करूं तो अपने पास एक तो होता है फेज, एक होता है अपने पास न्यूट्रल, हो गया। अब एक चीज याद रखना कि जो इंडक्शन टाइप वाट मीटर की बात करूं या डायनमो टाइप मीटर की मैं बात करूं तो दो कॉइल यूज होती है। इसमें भी आपकी दो कॉइल यूज होगी। कितनी कॉइल यूज होगी? दो कॉइल आपकी यूज होगी। अब दो कॉइल यूज कौन सी होती है वो मैं बताता हूं, पहले सुन लें क्योंकि बाद में मैं यहां पर कॉइल लगाऊंगा, ठीक है ना। तो आप लिख लें एक बार कि इंडक्शन टाइप वाट मीटर में दो कॉइल यूज की जाती है, अब बेटा दो कॉइल कौन कौन सी यूज की जाती है? पहली तो आपकी होगी करंट कॉइल और दूसरी होगी अपने पास प्रेशर कॉइल। ओके, अब मैं बात करता हूं पहली कॉइल की, करंट कॉइल की, तो करंट कॉइल आपके सीरीज में जोड़ी जाती है, याद है ना। कल बताया था कि जो करंट कॉइल की अगर अपन बात करें कि करंट कॉइल कहां पर जोड़ी जाती है, बेटा इसका नाम करंट कॉइल याद रखना है। ओके, या फिर अपन इसको फिक्स कॉइल कह सकते हैं, पर यहां पर करंट कॉइल याद रखना, करंट कॉइल हमेशा कहां जोड़ी जाती है? सर्किट में, सर्किट के श्रेणी क्रम में, या फिर कहें सीरीज में जोड़ी जाती है। प्रॉपरली विजुअलाइज हो रहा है ना बेटा सारों को? सीरीज में जोड़ी जाती है, तथा सीरीज में जोड़ेंगे तो बेटा क्या करने जाता है, इसका रेजिस्टेंस कम होना चाहिए, रेजिस्टेंस कम होना चाहिए, तो बेटा इसको क्या करते हैं अपन है? मोटा बनाते हैं। आर जो रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके? एरिया के। तो मैं यहां से कह सकता हूं तथा इस कॉइल को मोटे तार
तथा कम टर्न का बनाया जाता है। हो गया, बस बेटा यही करना है, सीरीज में जोड़ना है और कहां कैसा बनाना है, मोटे तार और कम टर्न का बनाना। ऐसा क्यों बढ़ाते हैं, क्योंकि मोटा तार रखोगे बेटा तो आपने एक रिलेशन पढ़ा होगा बेसिक इलेक्ट्रिकल में, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल ए, ए होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया, जितना क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ाओगे रेजिस्टेंस उतना डिक्रीज होता जाएगा। अगर अपन लेंथ को जितनी कम करेंगे वायर की रेजिस्टेंस भी उतना कम हो सकता है, इसीलिए अपन कम टर्न का बनाते हैं, मोटे तार का बनाते हैं। ओके बिल्कुल, कुछ कमेंट्स देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। गोकुल यादव सी ओ पी, ओके निरंजन थैंक्स, ओके निरंजन ज्वाइन हो गया सर, ओके बिल्कुल चलते हैं आगे। ओ अच्छा, मुंबई मेट्रो की वैकेंसी आ गई, चलो आज नोटिफिकेशन देख के देखेंगे फिर मैं बता दूंगा आपको, ठीक है ना, क्या कुछ आया है। बहुत अच्छी खुशखबरी है कि मुंबई वैकेंसी आ चुकी है मुंबई मेट्रो की, बिल्कुल सर जी मैं ओके आगे चलें। कम टर्नों का लिख दिया ना, तथा कम लिख दिया, कम टर्नों का बनाया जाता है। ओके अब बात करें कि अपने कौन सी कॉइल जोड़नी है, करंट कॉइल तो सीरीज में जोड़नी है, तो सीरीज में बेटा फेज तार में जोड़ते हैं ना, ये मैंने यहां से तार उठाया और कम टर्न का मैंने क्या कर दिया, यहां पर लपेटना चालू कर दिया। ये लो बेटा, ये कौन सी कॉइल हो गई अपने पास, देखो फेज में जुड़ रही है, बहुत मोटे तार है और बहुत कम टर्न है आपके इस कॉइल पर, अपन ने इस पे सी जो आकार की जो अपने पास बॉबिन थी उस पर लपेट दिया, तो ये कौन सी कॉइल हो गई अपने पास, करंट कॉइल हो गई बेटा। चले आगे, अब अपने को बात करनी है प्रेशर कॉइल की, तो यहां तक बेटा इसको नोट कर लिया होगा कि इंडक्शन टाइप वाटमीटर में दो कॉइल, करंट कॉइल और प्रेशर कॉइल होती है। बात करें करंट कॉइल, सीरीज में जोड़ते हैं, मोटे तार तथा कम टर्न की बनाई जाती है। बेटा सीरीज में जोड़ दी, मोटे तार तथा कम टर्न की अपन ने बना दी है। ओके अब चलते हैं अपन थोड़ा सा प्रेशर कॉइल की ओर मूव करें, तो प्रेशर कॉइल को देख लें थोड़ा सा, देखें आगे प्रेशर कॉइल, अब थोड़ा सा सेकंड अपना जो था वो है प्रेशर कॉइल। अब मैं प्रेशर कॉइल की बात करूं तो प्रेशर कॉइल को बेटा ध्यान रखना, मूविंग कॉइल मत कहना। अब मूविंग कॉइल कहां तक कह सकते थे, अपन डायनमो टाइप तक ही कह सकते थे। ओके अब अपने को इसका नाम प्रेशर कॉइल ही रखना है, ठीक है ना। तो यहां पर अगर जो प्रेशर कॉइल है इसको किस क्रम में जोड़ते थे भाई, डायनो टाइप में पैरेलल में जोड़ते थे। तो याद रखना प्रेशर कॉइल को, प्रेशर कॉइल को लोड के पैरेलल में, सर्किट के पैरेलल में, लोड के पैरेलल में जोड़ा जाता है। अब बेटा इसको देखना पैरेलल में जोड़ना है, तथा इसको क्या करना है बेटा, इसे देखो पैरेलल में जोड़ रहे हो तो इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए भाई। अब रेजिस्टेंस ज्यादा करना है तो पतले तार की बनानी पड़ेगी, और क्या करना पड़ेगा, बहुत लंबा तार की बनानी पड़ेगी ना, तो बस वही काम करना है। तो इसमें अपन कह दें कि इसे, इसे पतले तार तथा अधिक टन का बनाया जाता है। हो गया, अब देखो बेटा पतले तार अधिक टन का बनाना, समांतर क्रम में जोड़ना है, तो मेरे को समांतर क्रम में जोड़ना है, तो मैंने क्या किया बेटा, यहां से ये पॉइंट लिया फेज से, इसको ऊपर लेके चला गया, यहां तक लेके चला गया, और बेटा मैंने बहुत सारे टर्न्स बना दिए यहां पर भी, और इसको मैंने आगे बढ़ा के यहां पर भी मैंने बहुत सारे टर्न बना दिए। अब बेटा इसको समांतर में जोड़ना है, तो समांतर में कैसे जोड़ेगा बेटा, डायरेक्ट यहां से जोड़ देगा, अभी सीरीज में हो जाएगा, है ना।
अपने को समांतर में जोड़ना है, तो बेटा इसको कहां जोड़ना पड़ेगा, न्यूट्रल में जोड़ना पड़ेगा। ये लो बेटा मैंने इसको कहां पर जोड़ा है, न्यूट्रल में। ये देखो फेज के ऊपर से होके निकल रही है यहां से, पर यहां से फेज से कनेक्ट है। तो ये देखो ये कॉइल जो अपने पास हो गई समांतर में एड हो गई, और कैसे हो गई, कौन सी कॉइल हो गई, ये प्रेशर कॉइल हो गई, हो गई। बात करते हैं प्रेशर कॉइल बना दी, ओके। और जो अपना लोड लगा होगा बेटा वो कहां पर लगा होगा, यहां पर लगा होगा। ये अपने पास लोड है जिसमें अपने को पावर को मेजर करना है। अब बेटा यहां से जो आप इनपुट सिग्नल दोगे वो कौन सा होता है, आपका एसी सिग्नल है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलें थोड़ा सा आगे की ओर मूव करें, यहां तक तो अपन ने समझ लिया, कोई दिक्कत नहीं है, हो गया होगा, ओके। सुरेश वर्मा सर सिविल का करवा दो, सिविल का यार अभी क्लास थोड़ी सी डिस्टर्ब चल रही है, प्रॉपरली टाइम पे कुछ टाइम लगेगा अभी, तो आपके शेड्यूल स्टार्ट हो जाएंगे सिविल के, ओके टेंशन ना लें आप, करवाएंगे आपको बिल्कुल, ओके। सुरेश वर्मा ओके, आपको बता दें फिर जोड़ लें, ओके ठीक है, जल्दी बता देंगे आपको, आपको मैसेज कर दिया जाएगा जब सिविल का होगा, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, ओके सर। सुरेश चलते आगे, तो नेक्स्ट देखें, यहां तक तो अपन ने ऐड हो गया। अब अपने को क्या करना है कि इसके अंदर देखें दोनों कॉइल जो है अपनी फिक्स है, ओके, कोई भी मूव नहीं करती है। तो आप एक नोट करके बात लिख ले कि जो इंडक्शन टाइप वाटमीटर होता है इसमें कोई भी कॉइल आपकी गति नहीं करती है। तो बेटा गति करने वाला पार्ट कौन सा होता है, तो गति करने वाला पार्ट होता है इसमें एल्युमिनियम की डिस्क। तो बेटा यहां पर मैं एक एल्युमिनियम की डिस्क बनाता हूं और वो लगी होती है बिल्कुल बीचों बीच, यह अपने पास होती है एल्युमिनियम की डिस्क। क्या है ये, एल्युमिनियम की डिस्क लगी होती है, हो गया, ये अपने पास है एल्युमिनियम की डिस्क, ओके। अब ये जो एल्युमिनियम की डिस्क है ये क्या करेगी, अपनी मूव करेगी, गति करेगी। इसको थोड़ा सा नोट कर लें फिर अपन आगे चलेंगे इसके बारे में, सारी चीजें एक एक साथ अपन पढ़ते रहेंगे। चलें अब देखें बेटा इसमें आगे लिख दें, नोट डाल के लिखें या एरो डाल के लिखें, बेटा इंपॉर्टेंट बात है तो याद रखें कि इंडक्शन टाइप वाट मीटर में, इंडक्शन टाइप वाट मीटर में, मीटर में कॉइल मूव नहीं करती, कॉइल मतलब करंट कॉइल प्रेशर कॉइल मूव नहीं करती है, इनमें दोनों कॉइल में से कोई कॉइल मूव नहीं करती है, करती है। और एल्युमिनियम की डिस्क मूव करती है, हो गया। नेक्स्ट एरो डाल के लिखें बेटा, ये तो अपन ने बना दिया एल्युमिनियम की डिस्क। अगर अपन बात करें कि यहां पर जो प्रेशर कॉइल है, इस प्रेशर कॉइल के बीच में एक शेडिंग रिंग लगाई जाती है। अब क्यों लगाई जाती है कि यहां से आपका जो चुंबकीय क्षेत्र प्रोड्यूस होगा, चुंबकीय क्षेत्र जो बनेगा वो क्या बन जाए, आपका समान रूप से आपका वितरित हो जाए, या फिर अपन कह सकते हैं कि एक रोटेशनल मैग्नेटिक फ्लक्स बन जाए, जिससे ये आपकी जो है वो घूमना स्टार्ट हो जाए, क्या, एल्युमिनियम की डिस्क, ओके। तो याद रखें इसमें लिख दें कि प्रेशर कॉइल के बीच एक शेडिंग रिंग लगाई जाती है, ताकि रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न हो सके, उत्पन्न उसके तथा एल्युमिनियम की डिस्क क्या कर सके, आपकी मूव कर सके, या फिर अपन कह सकते हैं
कि इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस पैदा करवाना है आपको सप्लाई और वोल्टेज के बीच, तो यहां पर रिंग डालनी पड़ेगी जिससे आपका रोटेशनल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। और रोटेशनल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाए तो बेटा ये अपने एल्युमिनियम डिस्क अपने पास क्या करने लग जाएगी, गति करने लग जाएगी। ओके, अब बात करते हैं थोड़ा सा आगे चले अपन कि अपने को यार ये देखना है कि चलो यहां पर रिंग लगानी है। पहले तो मैं रिंग लगा देता हूं एक आपकी, और तो यहां पर जो मैंने ये अपने पास शेडिंग रिंग लगा दी है जिसका कनेक्शन आपको कहीं से नहीं करना। शेडेड पोल मोटर पड़ी है ना, शेडेड पोल मोटर में क्या होता है, रिंग लगा दी जाती है ना। ये हो गई अपने पास शेडिंग रिंग, हो गया, जो क्या करेगी, रोटेशनल मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगी। बात करते हैं आगे, तो ये जो अपना एक डिस्क है एल्युमिनियम की, इस पे क्या होता है आपका, बिल्कुल मिड पॉइंट से एक पॉइंटर जुड़ा रहता है। क्या जुड़ा रहेगा आपका, एक पॉइंटर जुड़ा रहता है, और पॉइंटर को मैं बना देता हूं यहां पर। और पॉइंटर पर कहां लगा होता है, पॉइंटर लगा होता है आपका स्केल पर। हो गया, अब देखें अपने पास मैग्नेटिक इंडक्शन के कारण इसमें क्या होगा, एल्युमिनियम की डिस्क में रोटेशनल आएगा, मतलब गति करेगी, गति करेगी तो बेटा इस पॉइंटर भी आपका गति करेगा और अपने को विक्षेप दिखाएगा, डिफ्लेक्शन दिखाएगा, वही अपनी रीडिंग होगी। पर हो सकता है बेटा कि ये तो ज्यादा गति कर जाए और अपने पास रीडिंग गलत भी दे सकता है। कुछ चीज ऐसा करना पड़ेगा कि अपने को इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा। तो कंट्रोल करना पड़े तो बेटा इस डिस्क के, जो एल्युमिनियम की डिस्क है, इसके एक तरफ क्या कर देंगे अपन, मैग्नेट लगा देते हैं, परमानेंट मैग्नेट लगा देते हैं। और ये जो परमानेंट मैग्नेट है एन और एस, जिसमें चुंबकीय बल रेखाएं निकलेगी अपनी, वो निकलेगी एन पोल से एस पोल की ओर, हमेशा इसी प्रकार निकलती रहेगी। ये रोटेशनल इस प्रकार का होगा तो इसमें एक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। यहां से अगर देखें, ये अगर चुंबकीय क्षेत्र में कोई शॉर्ट सर्किट चालक घूमता है तो उसमें एक इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाता है। कौन कहता है ये, किसने बताया था, फेराडे ने, ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। लेंस क्या कहता है, जो ये ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है ये क्या करेगा, इसी का विरोध करेगा जिसके कारण उसकी उत्पत्ति हुई है। मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, विरोध करेगा, जिसके कारण से इसमें क्या आ जाएगा, कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोड्यूस हो जाता है। किसके कारण, आपका परमानेंट मैग्नेट के कारण। ये क्या है आपका, परमानेंट मैग्नेट क्या करेगी आपका, कंट्रोलिंग का काम करती है। आया बेटा समझ में, कोई दिक्कत नहीं है, दे दो बेटा ऐसी सप्लाई, सप्लाई दोगे चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, यहां पर चुंबकीय क्षेत्र बनेगा तो बेटा इस चुंबकीय क्षेत्र को अपने रोटेशनल रोटेशनल चुंबकीय क्षेत्र बनाना है तो अपने को शेडिंग रिंग यूज करनी पड़ेगी। शेडिंग रिंग यूज करेंगे तो बेटा एल्युमिनियम डिस्क घूमेगी, एल्युमिनियम डिस्क के मिडिल पॉइंट पे क्या लगा होता है, पॉइंटर लगा होता है। जब डिस्क घूमेगी तो अपना क्या करेगा, पॉइंटर विक्षेप देगा। अब बेटा इस पॉइंटर को विक्षेप या फिर इस डिस्क को कंट्रोल करना है तो अपन क्या कर देते हैं, परमानेंट मैग्नेट लगा देते हैं। जो परमानेंट मैग्नेट है वो क्या करेगी, आपके फेराडे लॉ के अकॉर्डिंग यहां पर इस डिस्क में ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, ये जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा उसी का विरोध करेगा जिसके कारण इसकी उत्पत्ति हुई है और कंट्रोल हो जाएगा मीटर। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल अपने पास बन के रेडी हो गया है कौन सा, इंडक्शन टाइप वाट मीटर। तो बेटा कोई प्रॉब्लम आई कि नहीं आई, आपको आई है कुछ प्रॉब्लम तो मेरे को बता दें, प्रॉपरली समझ में आ रहा होगा। जो बच्चे वीडियो को देख रहे हैं बेटा वो ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, क्योंकि बहुत कम बच्चे लाइव हैं यार, इस संख्या को बढ़ाने की कोशिश करें। जो लाइव है वो बेटा ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करते रहें। कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई है, आगे चलें क्या, आगे चलें, कोई दिक्कत तो नहीं है कि आपसे पूछे शेडिंग रिंग क्या काम करती है तो बता सकते हो शेडिंग रिंग क्या काम करेगी।
चले आगे आगे अपने पास एक चीज पूछ ली जाती है, इसमें डिफ्लेक्शन टॉर्क किसके प्रोपोर्शनल होता है या फिर किस से प्रोड्यूस होता है, तो पावर के प्रोपोर्शनल होता है, अपन याद रखना, ठीक है ना। तो यहां पर एक बार आप लिख लें, क्योंकि एक बार क्वेश्चन पूछा भी गया था कि जो इंडक्शन टाइप वाट मीटर है इसमें डिफ्लेक्शन टॉर्क किसके प्रोपोर्शनल होता है, तो याद रखें पावर के प्रोपोर्शनल होता है। और एसी में पावर तो आप जानते ही हो क्या होती है, वी आई कॉस फाई, है ना। रियल पावर क्या होती है, वी आई कॉस फाई। तो यहां पर नोट करके बेटा एक बात लिख लें, इंडक्शन टाइप वाट मीटर में डिफ्लेक्शन टॉर्क पावर के समानुपाती होता है। तो अपन ऐसा कह सकते हैं टीडी इक्वल वी आई कोस फाई, बराबर होता है, समानुपाती होता है, कुछ भी लिख लो, ठीक है बेटा। तो ये नोट कर ले, ये तो था अपने पास कैसा इंडक्शन टाइप वाट मीटर, बिल्कुल सिंपल सा बेटा। यहीं से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके कि आपके परमानेंट मैग्नेट क्या काम आती है, कौन सी पावर मेजर करता है, इसमें मूविंग करने वाला कौन सा भाग होता है, कंट्रोलिंग करने वाला कौन सा भाग होता है, शेडिंग रिंग क्यों लगाई जाती है, बॉबिन किस प्रकार का लिया जाता है, अगर बात करें कि प्रेशर कॉइल किस में जुड़ी होगी, किस क्रम में जुड़ी होगी, या फिर करंट कॉइल आपकी किस क्रम में जुड़ी होगी, करंट कॉइल को किस प्रकार का बनाया जाता है, प्रेशर कॉइल को किस प्रकार का बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है, ये चीजें आपसे पूछी जाती है एग्जाम में। तो प्रॉपरली आ गया होगा बेटा, सब चीजें अपन ने इसके अंदर डिस्कस की है। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट की ओर। तो इससे पहले ज्यादा ज्यादा वीडियो को शेयर कर दें और लाइक जरूर कर दें बेटा, जिन बच्चों को समझ में आया है प्रॉब्लम है तो बेटा अभी फटाफट बता दें, दो मिनट का टाइम आपके पास, इसके बाद अपन नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। अपना टॉपिक है वो है अब अपन पढ़ेंगे एम्पियर हवर मीटर। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा अपना वो रहेगा एम्पियर हवर मीटर, जिसमें अपन क्या करेंगे कि जो डीसी में डीसी की जो एनर्जी है उसको मेजर करने का अपन मीटर पढ़ने वाले हैं। तो फटाफट जो वीडियो को समझ में आ गया है तो आप थम्सअप का साइन जरूर सेंड कर दें, ओके। इसके अलावा और बच्चा क्या कर रहे हो, तुम सो रहे हो क्या, इसके अलावा और क्या कर रहे हो बेटा, सो रहे हो क्या, कोई कमेंट वगैरह नहीं आ रहा है और वीडियो में कोई व्यूज वगैरह नहीं बढ़ रहे हैं, यार क्या दिक्कत है यार, इतनी मेहनत कर रहे हैं यार, इसका कुछ फल वगैरह तो आना चाहिए ना, मेरा 100% आप तक पहुंचना चाहिए, मैं यूं चाहता हूं। ये कब पहुंच सकता है, जब आप वीडियो को ज्यादा शेयर करोगे, ज्यादा लाइव आएंगे बेटा, और मेरे जो क्वेश्चंस पूछे गए पे जवाब दोगे आप, तभी तो पता चल सकता है ना मेरी कंडक्टिविटी आपसे है बेटा, किससे, आपके कमेंट से। अगर आप कमेंट नहीं करोगे तो यार मेरे को क्या पता चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो रिक्वेस्ट है कि आप फटाफट कमेंट कर दें कि हाँ भाई सर समझ में आया है या फिर नहीं आया है, और क्या चीज जानना चाहते हो इस मीटर के बारे में, आपके प्रॉपर सामने डायग्राम भी बना हुआ है तो बताएं एक बार बेटा। निरंजन सिंह जी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, चलें फिर आगे, कोई दिक्कत नहीं है, थम्स अप का साइन जरूर सेंड करते हैं। यार क्या कर रहे हो, इतने बच्चे लाइव तो हैं पर वो वाले कमेंट तो करो यार, पर है अभी भी कम। और जो बच्चे वीडियो पसंद आए तो बेटा लाइक जरूर कर देना, ओके, और जो नए आए हो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आगे चलते हैं, अपना बहुत अच्छा मीटर है डीसी एनर्जी मीटर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इससे पहले बेटा बता देंगे, प्रॉपरली समझ में तो आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है ना, चलें आगे। तो देखें आगे नेक्स्ट अपन चलते हैं, यहां तक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, सब कुछ रेडी है मामला, आप जरूर नोट्स जरूर रेडी करते रहें साथ साथ में, क्योंकि लास्ट में अपन इसके क्यूज लेने वाले हैं, किसकी, ईएमआई की, मेजरमेंट की। देखते हैं कितने बच्चे क्वेश्चन सोल्व कर पाते हैं। और आपके इवनिंग में मैं प्रैक्टिस सेशन की क्लास ले रहा हूं जेएन की, वहां पर भी आपने देखा होगा कि जो मैं यहां पर बता रहा हूं बेटा डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आ रहे हैं ना, तो बेटा इन्हीं चीजों को आपको याद रखना है और ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने हैं अगर आपको सफलता पानी है तो। क्योंकि बेटा नोट्स बनाना तो बहुत जरूरी है, अपना ह्यूमन बॉडी का माइंड ऐसा होता है कि एक बार तो ऐसा लगता है कि हाँ बिल्कुल याद है, पर बेटा दो दिन के बाद ही वो डाटा निकल जाता है,
उसको रिकॉल करना बहुत जरूरी है। ओके चलते हैं आगे, आगे नेक्स्ट देखते हैं डीसी एनर्जी मीटर। हेडिंग डाल दें बेटा आप डीसी एनर्जी मीटर, बहुत इंपॉर्टेंट है। डीसी की क्या करेंगे अपन, एनर्जी को मापेंगे, क्या करेंगे एनर्जी को मापना है डीसी को। तो बेटा पहले तो यूं बताइए, जो डीसी की एनर्जी मापते हैं तो उस मीटर को अपन किस नाम से जानते हैं, कमेंट करें बेटा किसको पता है इस मीटर को किस नाम से जाना जाता है। हालांकि मैंने फर्स्ट क्लास में, मेजरमेंट क्लास में आपके जब मेरी फर्स्ट क्लास थी उसमें मैंने ये डिस्कस कर दिया था। आप बता दें कि डीसी के अपने को एनर्जी मेजर करनी है डीसी सप्लाई की, तो कौन सा मीटर काम में लेंगे, कोई नाम तो होगा ना, तो नाम बताएं बेटा क्या होता है, कितने बच्चों को पता, देखते हैं। और इसका क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि इंटीग्रेटिंग टाइप का मीटर कौन सा है। कोई रिप्लाई नहीं आ रहा, क्या बात है, आता नहीं है क्या। चले आगे, तो बेटा कौन सा मीटर होता है एम्पियर हवर मीटर के नाम से उसको जानते हैं, आज अपन उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखें तो इसमें बेटा नोट करके कुछ बातें लिख लेते हैं पहले, फिर अपन इस मीटर का डायग्राम बनाएंगे और समझेंगे, ठीक है ना। सिंपल मीटर है, कोई हार्ड नहीं है। तो लिखे बेटा डीसी एनर्जी मीटर, एक तो बात याद रखना स्थिर वोल्टेज, वोल्टेज कैसा होना चाहिए स्थिर, स्थिर वोल्टेज पर एम्पियर, हिंदी में लिख दें एम्पियर हवर को मापता है, क्या कहलाता है ये मीटर, ए एच मीटर कहलाता है, एम्पियर हवर मीटर कहलाता है। हो गया, बात करें एम्पियर हवर मीटर किस प्रकार का मीटर है, नोट करके लिख लें बेटा एम्पियर हवर मीटर किस प्रकार का मीटर है। बताएं बेटा इंडिकेटिंग है, इंट्रोग्रेटिंग है, रिकॉर्डिंग है, कौन सा मीटर है, कमेंट करें बेटा कौन सा मीटर मीटर है, ए एच मीटर किस प्रकार का मीटर है। देखें मैंने आपको पढ़ाया था कि सेकेंडरी आपके इंस्ट्रूमेंट तीन प्रकार के होते हैं, इंडिकेटिंग, रिकॉर्डिंग और इंट्रोग्रेटिंग। तो बताएं कि जो अपने पास ए एच मीटर है ये किस प्रकार का मीटर है, कमेंट करें बेटा फटाफट कमेंट करें, क्योंकि कोई कमेंट वगैरह नहीं आ रहा है, प्रॉपरली आपको बता रखा है फिर भी आपकी चीजें अगर वापस आप रिप्लाई नहीं करते तो बड़ा अजीब सा लगता है यार, क्यों आप तो यार पढ़ते नहीं होंगे या फिर ओनली फॉर ए टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो बेटा क्या कर रहे हो तुम बताओ, क्या कर रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो या फिर पढ़ाई कर रहे हो। तो किस प्रकार का मीटर होता है, इंट्रोग्रेटिंग प्रकार का होता है। नोट कर ले बेटा इंट्रोग्रेटिंग प्रकार का मीटर होता है। ओके अब अपन चलते हैं थोड़ा सा आगे कि डीसी एनर्जी मीटर अपन दो प्रकार के काम में लेते हैं, कि डीसी जो अपने पास एनर्जी है उसको मापने के लिए अपन दो प्रकार के मीटर काम में लेते हैं, क्या क्या नाम है उनके बारे में अपन डिस्कस करते हैं और इन्हीं के बारे में अपन पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो चलें तो देखें, हेडिंग डाल दें बेटा नेक्स्ट, एरो डाल के आप लिख दें कि जो आपका डीसी एनर्जी मीटर है वो दो प्रकार के होते हैं, डीसी एनर्जी मीटर दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। पहले बेटा एक तो था थॉमसन मीटर, एक तो थॉमसन नाम का वैज्ञानिक आया था उस बंदे ने इसके बारे में बताया था, और दूसरा था अपने पास
एक तो है बेटा थॉमसन, ओके, और क्या कह रहे हैं एमीटर, ओके बिल्कुल बिल्कुल, जिन बच्चों ने बताया था कि हाँ ओके, अब आपके कमेंट आ रहे हैं कि सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या कर रहे हो यार, कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या, कमेंट पढ़ रहा हूं मैं आपके, तो बताएं कि इसके अलावा कोई बच्चा कमेंट वगैरह इतने नहीं कर रहे, क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या? बेटा बता दें, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कमेंट वगैरह हिल भी नहीं रहे हैं। तो बेटा ध्यान रखें कि अपने पास दो प्रकार के मीटर होते हैं, कौन कौन से होते हैं, पहला होता है इलू थॉमसन प्रकार का और दूसरा होता है फ्रेंटी टाइप। तो नोट कर लेते हैं, पहला जो होता है अपने पास कौन सा होता है अपने पास, इलू थॉमसन प्रकार का, इलू एनर्जी मीटर। सेकंड होता है बेटा अपने पास कौन सा, फ्रेंटी टाइप, कौन सा बेटा, फ्रेंटी टाइप। तो नोट कर लें, फ्रेंटी टाइप फ्रेंटी टाइप एनर्जी मीटर, ये दो प्रकार के मीटर होते हैं। अब बेटा इनके नाम याद रखना, इलू थॉमसन टाइप था, एक वैज्ञानिक था, इसने एक मीटर बनाया था, उसका नाम रखा गया इलू थॉमसन टाइप वाट मीटर। और जो याद रखना, इसको कम्यूटेटर मीटर के नाम से भी जानते हैं, किसके नाम जानते हैं, कम्यूटेटर मीटर के नाम से, और इसको जानते हैं अपन मरकरी मीटर के नाम से, ये याद रखना, इसको जानते हैं कम्यूटेटर मीटर के नाम से भी जानते हैं। तो याद रखना, इलू थॉमसन टाइप एनर्जी मीटर और फ्रेंटी टाइप एनर्जी मीटर को मरकरी मीटर के नाम से भी जानते हैं, अलग अलग नाम से जानते हैं इनको, ये दो प्रकार के थे। वैसे दोनों की कंस्ट्रक्शन सेम होती है, और याद रखें जो अपने पास इलू थॉमसन टाइप वैज्ञानिक था, इसने एक क्या बनाया, एम्पेयर हवर मीटर बनाया, जिसका नाम रखा गया इलू थॉमसन। ओके, अब मैं बात करता हूं उसके बाद में, एक वैज्ञानिक आया फ्रेंटी, उसने एक फ्रेंटी एनर्जी मीटर एम्पियर हावर मीटर बनाया, जिसको मरकरी मीटर के नाम से भी जानते हैं। और ये याद रखना, ये जो इलू थॉमसन का है, ये हाइब्रिड रूप है, मतलब इसमें कुछ सुधार किया गया, इलू टाइप जो थॉमसन एनर्जी मीटर है उसमें कुछ सुधार करके अपने पास क्या बनाया गया, फ्रेंटी टाइप एनर्जी मीटर को बनाया गया था। तो अपन जो डिस्कस करने वाले हैं वो अपन करेंगे फ्रेंटी टाइप एनर्जी मीटर, या मरकरी मोटर मीटर के नाम से भी इसको जानते हैं, और किस प्रकार से अपने पास काम करता है वो अपन इसमें बारे में डिस्कस करते हैं। चलो करें स्टार्ट। तो हेडिंग डाल दें बेटा कि फ्रेंटी टाइप एनर्जी मीटर, फ्रेंटी टाइप एनर्जी मीटर। देखिए बेटा फ्रेंटी टाइप एनर्जी मीटर, तो याद रखें पहले तो बेटा एक लाइन करके ऐड कर लें कि अपन इलू थॉमसन टाइप वाट मीटर क्यों नहीं पढ़ते, एनर्जी मीटर क्यों नहीं पढ़ते, क्योंकि जो फ्रेंटी टाइप एनर्जी मीटर है उसी का ही हाइब्रिड रूप है, मतलब उसी को ही क्या किया गया, उसी का ही सुधार किया गया है, किसका, थॉमसन इलू थॉमसन एनर्जी मीटर का सुधार करके फ्रेंटी टाइप
एनर्जी मीटर बनाया गया है। तो जो अपन नोट पढ़ने वाले हैं वो बेटा जिसको सुधार करके बनाया गया है, होते दोनों एक जैसे से ही है, तो अपन कौन सा पढ़ेंगे? फ्रंटी टाइप एनर्जी मीटर। तो अब बात करते हैं डीसी सप्लाई, डीसी की एनर्जी को मेजर करना है तो अपने को किस प्रकार के मीटर की आवश्यकता पड़ेगी, बिल्कुल आपके सामने है। ओके, अब अपन चलते हैं थोड़ा सा आगे की ओर, मूव करें इसमें कि भाई और क्या क्या इसमें अपन यूज कर सकते हैं, तो वो चीज अपन डिस्कस करते हैं। तो देखें एक बार, तो देखें बेटा इसमें अपन क्या क्या यूज करना है। तो पहली बात तो ये याद रखनी है आपको, फ्रंटी टाइप एनर्जी मीटर है, इसको मरकरी मोटर मीटर के भी नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि बेटा इसमें मरकरी का यूज किया जाता है, मोटर के प्रिंसिपल पर वर्क करता है, इसीलिए इसको मरकरी मोटर मीटर के नाम से भी जानते हैं। आप लिखना चाहो तो इसको लिख सकते हैं। अब अपन देखते हैं कि यार इसमें होता क्या क्या है। तो सबसे पहले याद रखना कि इस मीटर में दो परमानेंट मैग्नेट आपको चाहिए। तो मैं लिख देता हूं, इस मीटर में मुख्यतः जो मेन इंपॉर्टेंट काम होगा वो अपने को चाहिए दो स्थायी चुंबक की आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है। क्या आवश्यकता होती है अपने पास? दो अस्थायी चुंबक की आवश्यकता होगी। अब बेटा मैं दो अस्थायी चुंबक को एक साथ बनाता भी रहूंगा और साथ साथ में आपको बताता भी रहूंगा, ठीक है ना। तो यहां पर लिख दें दो अस्थायी चुंबक की आवश्यकता होती है। एक तो बेटा आपका क्या कहलाएगा, ड्राइव मैग्नेट कहलाएगा, दूसरा अपने को कंट्रोलिंग मैग्नेट कहलाएगा। किस प्रकार से दो चुंबक की कैसी आवश्यकता होगी, तो बेटा डायग्राम के साथ साथ मैं बनाता रहूंगा। यहां पर मैंने सबसे पहले एक चुंबक लिया और यहां पर मैंने अपने पास एक चुंबक न बोल के इसको आप इस प्रकार के चुंबक बनाओगे और इनको किस प्रकार से बोलना है मैं अभी बताऊंगा। ये लो, ये अपने पास N पोल है तो ये S पोल होगा, ये पास अपने पास N पोल है तो अपने पास ये S पोल होगा। तो ये चुंबक चार नहीं है, N और S मिलके एक ही चुंबक का निर्माण करती है, इसीलिए अपन इसको एक चुंबक कहेंगे, इसी को अपन क्या कहेंगे, एक चुंबक ये है। तो टोटल कितनी चुंबक यूज कर रहे हैं अपन? दो चुंबक यूज कर रहे हैं, हो गया। अब अपन थोड़ा सा आगे की ओर मूव करें। अब अपने क्या करना है कि ये जो दो चुंबक है ना, एक चुंबक तो अपना क्या करेगी, कंट्रोलिंग का काम करने वाली है, और दूसरी चुंबक क्या करेगी अपने का, ड्राइविंग का काम करने वाली है, चलाने का काम करने वाली है। तो इसमें कौन सी आपकी ड्राइंग मैग्नेट होती है और कौन सी अपने पास है कंट्रोलिंग मैग्नेट होती है, तो उसको कैसे पता करें, सबसे बड़ी बात यही है। तो इसमें सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि एक कॉपर की डिस्क लेनी होती है और कॉपर की डिस्क इन चुंबकों के बीच में स्थापित की जाती है, सबसे बड़ी बात यही है। तो यहां से नोट कर लें कि इस मीटर में, एक बेटा सारों में अपन एल्यूमिनियम की डिस्क लेते हैं पर इसमें क्या करना है, कॉपर की डिस्क ली जाती है। जो दोनों चुंबक के बीच स्थापित की जाती है। ओके बेटा, क्या करनी है, दोनों चुंबक के बीच अपने को स्थापित करनी है, क्या लेनी है, कॉपर की डिस्क लेनी है। आज तक अपने जितने मीटर पढ़े उसमें अपन एल्युमिनियम की डिस्क यूज कर रहे थे, पर बेटा याद रखना कि इस मीटर के अंदर अपने को क्या लेना है, कॉपर की डिस्क लेनी है। और मैं ये कॉपर की डिस्क यहां पर बना देता हूं, ये मेरी है कॉपर की डिस्क, हो गया बेटा, ये अपने पास क्या है, कॉपर की डिस्क है। नोट कर दें यहां पर, ये है कॉपर डिस्क, कॉपर की डिस्क ले ली है।
अब अपन बात करते हैं इस जो कॉपर की आपने डिस्क ली है इसके यहां पर एक अपन कोटिंग करते हैं, और कोटिंग किसकी करते हैं देखें, यहां पर मैंने क्या किया कि एक कोटिंग करनी है। कोटिंग से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि इस डिस्क के चारों ओर मरकरी भरी जाती है। मैंने बोला था ना कि इस मीटर को किस नाम से भी जानते हैं, मरकरी मोटर मीटर के भी नाम से जानते हैं। तो इस डिस्क के चारों ओर पहले मैं आपको बता दूं कि मरकरी भरी जाती है, तो मरकरी मैं को यहां पर भरनी है। तो यहां पर जो मैं डैश डैश करके दिखा रहा हूं तो ये क्या है आपकी मरकरी, इसको मरकरी मोटर मीटर कहते हैं ना, वो इसीलिए कहते हैं। ये यहां पर चारों ओर क्या भर दी अपने, मरकरी भर दी। अब इस मरकरी को अपने को देखो, ऐसे तो मरकरी भर दी मतलब ये यहां पर क्या भरी अपन ने, मरकरी। अब ये मरकरी भर दी ऐसे तो बेटा मरकरी बाहर आ जाएगी आपके मीटर से ना। तो अब इसको रोकने के लिए अपने क्या करते हैं, इसके चारों ओर इसकी कोटिंग करते हैं, और कोटिंग की जाती है आपकी पित्तल की, ब्रांस की, ठीक है ना। तो इसके चारों ओर अपने क्या करना है, कोटिंग करनी है, और मैं कोटिंग कर देता हूं इसके चारों ओर। तो बेटा जो कोटिंग की जाती है वो इस प्रकार की होगी, ये लो हो गया, ये चारों तरफ इसके क्या कर दी मैंने, कोटिंग कर दी, जिससे आपकी मरकरी क्या नहीं आएगी, बाहर नहीं आएगी। हो गया, कोटिंग कर दिया बेटा, ये लो। इसको इससे डायरेक्ट मिला दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोटिंग कर दी बेटा, ठीक है ना, मिला दिया। यहां पर बेटा नीचे से भी कोटिंग करनी होगी अपने को, थोड़ा डायग्राम अच्छे से बना लेना इसका, क्योंकि बेटा मेरी थोड़ी सी पेंटिंग थोड़ा अच्छी नहीं है, आप इस पेंटिंग को थोड़ा सा अच्छे से बना लें। ये लो बेटा, ये जो कोटिंग कर रहे हैं अपन, ये किसकी कर रहे हैं, पीतल या ब्रांस की कर रहे हैं। हो गया, इसके जो अपने पास कॉर्नर रह गए साइड वाले, इस कॉर्नर पर क्या करते हैं, फाइबर लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं यहां पर, फाइबर। बेटा डायग्राम जरूरी है, लिखवाना जरूरी नहीं है इसमें, इसमें यहां पर ये मैंने लगा दिया फाइबर, और यहां पर भी अपने पास क्या लगा दिया, फाइबर। क्या लगा दिया, फाइबर। जो बच्चे लाइव में वीडियो ज्यादा शेयर जरूर करें यार, क्योंकि बहुत कम बच्चे लाइव आते हैं, कुछ मजा भी नहीं आता पढ़ाने का। तो देखें यहां पर अपने पास क्या कर दिया, फाइबर लगा दिया, और यहां पर भी अपने पास फाइबर है। अब अपने क्या करना है, इस फाइबर के माध्यम से इस मीटर के अंदर अपने को सप्लाई देनी है। यहां से की जाती है सप्लाई, और यहां से इस फाइबर से क्या किया जाता है, अपने पास आउटपुट प्राप्त किया जाता है। आउटपुट हो गया, हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन बात करते हैं कि होता क्या है, और बिल्कुल आपके जो कॉइल, ये जो आपने कॉपर की डिस्क ली है, याद रखना इसमें कॉपर की डिस्क ली जाती है, और कॉपर के मिड पॉइंट में बेटा एक स्पैंडल लगा होता है। क्या लगा होता है, एक अपने पास स्पैंडल लगा होता है। अब ये क्या करेगा, स्पैंडल को अपने को घुमाना है। स्पैंडल को कैसे घुमाते हैं वो देखें, ये है अपने पास स्पैंडल। देखें सबसे बड़ी बात यह आती है कि इसमें अपने पास दो मैग्नेट ली, दोनों मैग्नेट बेटा अलग अलग काम करेगी, एक कंट्रोलिंग का काम करेगी, दूसरा ड्राइविंग का काम करेगी। बात करते हैं कि कौन सा अपने पास ड्राइविंग का काम करती है और कौन सा कंट्रोलिंग का काम करती है। सबसे पहले तो अपने को यह चेक करना है। तो बेटा क्या आता है कि जो आपके पास दो फाइबर की रिंग है, आपने जिधर से भी सप्लाई दे दी, आपने जिधर से भी सप्लाई दे दी, जिस मैग्नेट की ओर से सप्लाई दोगे, सपोज करो कि मैं अगर इस मैग्नेट से इधर से सप्लाई दे रहा हूं, तो ये जो दो मैग्नेट है ये आपका ड्राइव का काम करेगी। ये दोनों मैग्नेट क्या कहलाएगी आपकी, दोनों मैग्नेट ये एक मैग्नेट क्या कहलाएगी, दोनों पोल क्या कहलाएंगे आपके, ड्राइव मैग्नेट के नाम से जाने जाएंगे। ओके अगर ये बात करूं, यहां से सप्लाई दे रहे हो, जहां से अपन आउटपुट प्राप्त कर रहे हैं, तो ये दोनों पोल आपके ये एक चुंबक आपके क्या कहलाएगी आपकी, ये कहलाएगी आपकी कंट्रोलिंग मैग्नेट। क्या कहलाएगी आपकी, कंट्रोलिंग मैग्नेट कहलाएगी। हो गया,
ये तो हो गया अपने पास कंट्रोलिंग मैग्नेट। अब बात करते हैं कि अगर आपने इधर से सप्लाई दी तो आपका ड्राइंग मैग्नेट ये हो जाती और कंट्रोलिंग मैग्नेट आपकी ये हो जाती। यहां तक पता चला। पर इंडियन इलेक्ट्रिकल रूल के अकॉर्डिंग बात करें तो इंडियन इलेक्ट्रिकल रूल ने यह बोला है कि अगर आप फ्रंटेमीटर को यूज कर रहे हो तो हमेशा जो सप्लाई है आपके राइट हैंड साइड से मीटर को दी जानी चाहिए। किस तरफ से दी जानी चाहिए? राइट हैंड साइड से आपके दी जानी चाहिए। तो बेटा मेरा जो राइट हैंड साइड है वो किधर है? वो यहां है कि नहीं है? तो बेटा मेरे को सप्लाई हमेशा जिधर मीटर की तरफ मुंह करना, जिधर आपका राइट हैंड है उधर से आप सप्लाई देना, जिधर से आप सप्लाई दोगे वो आपके ड्राइंग मैग्नेट के नाम से जाने जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक? सभी को समझ में आया होगा? नहीं प्रॉब्लम है ना? थम्स अप का साइन जरूर सेंड कर दें बेटा। जिन बच्चों को प्रॉपरली समझ में आ रहा है वो थम्स अप का साइन जरूर सेंड कर दें। कुछ कॉमेंट वगैरह हिल नहीं रहे हैं, क्या समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा बताए तो सही यार, क्योंकि मेरी जो कनेक्टिविटी है वो आपके थम्स अप से है ना। तो आप वीडियो को शेयर वगैरह कर रहे हो यार, क्योंकि लाइव इतने बढ़ नहीं रहे हैं। दोबारा सुन ले बेटा एक बार, क्या क्या किया है। मीटर को लिखवाना जितना जरूरी नहीं है उतना इसको समझना जरूरी है। सबसे पहले दो इसमें चुंबक की आवश्यकता पड़ती है, वो भी कौन से? परमानेंट मैग्नेट की आवश्यकता। मनीष द्विवेदी ओके, दो अपने पास चुंबक की आवश्यकता पड़ेगी, वो भी कौन से? स्थिर मैग्नेट की आवश्यकता पड़ेगी। तो दोनों दो स्थिर मैग्नेट ले लिए, ये एक मैग्नेट हो गया और ये एक मैग्नेट हो गया। अब बात करते हैं, ये दोनों मैग्नेट ले लिए, दोनों के बीच में अपन को एक एल्युमिनियम की डिस्क जो रेड कलर से मैंने बनाई है, ये जो डिस्क है वो एल्युमिनियम की नहीं है, ये अपने पास कॉपर की डिस्क लेनी है। इसमें इतने मीटरों में अपन ने किसकी ली थी? एल्युमिनियम की ली थी। पर यहां पर अपने को क्या लेना है? कॉपर की डिस्क लेनी है। ले ली बेटा कॉपर की डिस्क, बीच में लगा दिया अपने धुरा लगा दिया। बात करते हैं इस कॉपर की डिस्क के चारों ओर अपन ने मरकरी भरी है, जो ग्रीन कलर से डैश डैश दिखा रखा है ये अपने पास मरकरी है। इस मरकरी को बेटा रोकने के लिए इसके चारों ओर कोटिंग की जाती है, जिसे अपन पीतल या ब्रांस की कोटिंग की जाती है। आपसे पूछ ले तो किसकी कोटिंग की जाती है? ब्रांस की कोटिंग की जाती है। ओके, ब्रांस की कोटिंग हो गई बेटा। अब अपन बात करते हैं कि जो इसके यहां पर सिरे, जो आपकी कोटिंग करने के बाद जो सिरे खुले रहते हैं, इन सिरों पर क्या किया जाता है? इनपुट या आउटपुट प्राप्त किया जाता है। जो क्या लगे होते हैं यहां पर? फाइबर लगे होता है। ओके, तो यहां से अगर अपन सप्लाई दे रहे हैं तो यहां से अपने को आउटपुट मिलेगा। जैसे ही अपन सप्लाई देंगे तो बेटा ये डिस्क क्या करेगी? आपकी रोटेट करने लगेगी। करेगी कि नहीं करेगी? एक डीसी मोटर की तरह काम करेगी कि नहीं करेगी? करेगी ना। तो याद रखना कि जो आपका फ्रंटी टाइप एनर्जी मीटर है ये डीसी मोटर की तरह काम करता है। हो गया। जब ये अपने पास रोटेशनल करेगी तो अपना धुरा, जो अपने बोलते हैं स्पैंडल, ये स्पैंडल भी आपका गति करेगा। स्पैंडल गति करेगा तो बेटा स्पैंडल के ऊपर यहां पर आपके क्या होते हैं? गियर्स लगे होते हैं। और यहां पर गियर्स जो है, ये बेटा गियर्स एक छोटा बड़े गियर्स इस प्रकार के लगे होते हैं, जहां पर अपने को रीडिंग दिखाई देती है 1 2 3 इस प्रकार की। ठीक है ना? ओके, तो ये तो था अपने पास कौन सा? फ्रंटी टाइप एनर्जी मीटर। बेटा ध्यान रखना इसको किस प्रकार का, क्या क्या मटेरियल है। बेटा ये चीजें आपको लिखनी होती है, इन्हीं से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा है। ओके, बात करते हैं। बस यहां से ये याद रखना, जिधर से आप सप्लाई दे रहे हो उधर से ड्राइंग मैग्नेट होगा, और जिधर से आप सप्लाई ले रहे हो उधर वो होगा कंट्रोलिंग मैग्नेट के नाम से जाना जाता है। यहां तक हो गया। इंडियन इलेक्ट्रिकल रूल की अगर मैं बात करूं तो हमेशा जो सप्लाई है वो राइट हैंड साइड से देनी है, न कि लेफ्ट हैंड साइड से देनी है। तो हमेशा जो सप्लाई याद रखनी है किस तरफ से देनी है आपको मीटर, अगर मिल जाए ये तो बेटा इधर से सप्लाई आपको देनी है। हो गया। यहां तक तो था अपने पास ये मीटर। अब अपने पास इसमें क्या होता है कि बस एक चीज इसमें थोड़ी दिक्कत आती है इस मीटर में, कि अगर आपका ये मीटर रेटेड वोल्टेज का बनाया गया था, सपोज करो मीटर अपने पास बनाया 240 वोल्टेज का मीटर बनाया, मरकरी मोटर मीटर बोले या फ्रंटी मीटर बोले, अपन ने बनाया कितने का? 240। अब बात ये हो गई कि अपने को वोल्टेज मापना था 260, अगर आपने लगा दिया 260 पे तो बेटा रीडिंग ढंग से नहीं देगा, ये गड़बड़ा जाएगा, इसका दिमाग खराब हो जाता है मीटर का फिर। ठीक है ना? तो रीडिंग अच्छी तरह से नहीं दे पाता ये आपके रेटिंग वोल्टेज से अधिक वोल्टेज पर। ठीक है ना? ये याद रखना आप, गड़बड़ा जाएगा आपका मामला। अब मैं बात करता हूं कि इसमें अगर आपकी एनर्जी है,
अगर इसके आपके एनर्जी का जो कैलकुलेशन करनी है उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो आप एक बार एक नोट और कर लें, काफी इंपॉर्टेंट है और कई बार क्वेश्चंस पूछा जाएगा बेटा। ऊर्जा की गणना, कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी किसमें, फ्रेंटिटाई मीटर में कैसे करनी है एनर्जी की कैलकुलेशन, अपने को ऊर्जा की गणना कैसे करनी है। तो याद रखना, फॉर्मूला लिख लें कि टोटल एनर्जी इन सर्किट, एक सर्किट में टोटल डीसी एनर्जी कितनी होगी उसका फॉर्मूला आपका क्या होता है। तो यहां पर लिखें सप्लाई वोल्टेज अपॉन, क्या लिखना है, रेटेड, क्या लिखना है, रेटेड रेटेड वोल्टेज इनटू आपको जो मल्टीप्लाई करना है वो जो इस मीटर की रीडिंग आ रही है इससे क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। यहां पर लिख देते हैं मीटर की रीडिंग, बेटा यहां पर ये मीटर की रीडिंग लिखी हुई है, नोट कर लें, इनटू में क्या लिखा हुआ है, ये मीटर की रीडिंग। ओके, थोड़ा साफ करके लिख देता हूं मैं इसको, मीटर की रीडिंग इनटू किससे मल्टीप्लाई कर दो, मीटर की रीडिंग से, कौन से मीटर की रीडिंग से, अरे भाई अपन ने जो अपने तैयार किया है। ओके, ये अपने पास हो गया टोटल, अपने पास सर्किट में एनर्जी ज्ञात करने का एक एक्चुअल एनर्जी कितनी होगी इस सर्किट से अपन या इस फॉर्मूले से अपन निकाल सकते हैं। ओके, एक मैं क्वेश्चंस देता हूं जो आपको घर पे बैठ के आराम से करना है, ठीक है ना, कि इसका आंसर क्या आता है। चले आगे, नेक्स्ट अपन देखते हैं, एक क्वेश्चंस देता हूं, सारे बच्चे करने की कोशिश करना बेटा, ऐसा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछा गया है आपके एग्जाम में तो आना चाहिए आपको। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन लिखें, एक मापी 240 वोल्टेज के लिए रेटेड किया जाता है, क्वेश्चन लिख लें बेटा, एक मापी 240 वोल्टेज के लिए रेटेड किया जाता है, इस मीटर से वोल्टेज का मापन किया जाता है, 220 वोल्टेज तक का मापन किया जाता है, 220 वोल्टेज तक का मापन किया जाता है, मतलब कहने का जो सप्लाई दे रहे हो, बनाया तो इसको कितने वोल्टेज के लिए था, 240 वोल्टेज पे काम करेगा, पर अपने को सप्लाई कितनी दे रहे हैं बेटा, इसको 220 वोल्टेज दे रहे हैं, मतलब अपन कम सप्लाई दे रहे हैं रेटिंग वोल्टेज से, ठीक है ना, सप्लाई देते हैं तो एक महीने में 770 यूनिट रीडिंग देता है, कितनी यूनिट देता है, यहां पर लिखे एक महीने में 570 यूनिट रीडिंग देता है, तो वास्तविक रीडिंग की गणना करें, तो वास्तविक रीडिंग की गणना करें, काफी इंपॉर्टेंट है बेटा, सारे बच्चे सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे इसको कि इसका आंसर क्या आने वाला है, फटाफट आंसर निकाल दें बेटा इसका कि इसका आंसर क्या आने वाला है। बिल्कुल सिंपल सा है, करना कुछ नहीं है, फॉर्मूला अपने को पता है कि वास्तविक रीडिंग की बात करूं मैं या फिर टोटल एनर्जी की बात करूं मैं तो क्या हो जाएगा बेटा, देखें कि अभी फॉर्मूला लिखाया कि वास्तविक एनर्जी इक्वल क्या होता है अपने पास सप्लाई वोल्टेज, और सप्लाई वोल्टेज अपने पास कितना है बेटा, सप्लाई वोल्टेज कितना है अपने पास, सप्लाई वोल्टेज कितना है यहां पर, यह है रेटेड वोल्टेज, कितना है बेटा अपने पास रेटेड वोल्टेज कितना है, जितने पर अपने पास मीटर को बनाया गया है, यह तो है अपना रेटेड वोल्टेज,
और यह है अपने पास सप्लाई वोल्टेज और यह है अपने पास मीटर की रीडिंग। तो बेटा करना क्या था कि सबसे पहले अपने को रेटेड वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज कितना, सप्लाई वोल्टेज 220 अपॉन रेटेड वोल्टेज कितना है 240 इनटू मीटर की रीडिंग अपने पास कितनी आ रही है 570। बेटा सॉल्यूशन कर लें और आंसर निकाल लें, आपकी वास्तविक रीडिंग इसकी निकल के आ जाएगी। ये अपने पास फॉर्मूला था, इस प्रकार का क्वेश्चन बेटा पूछा गया था, इन चीजों को आप ध्यान में रखें। ओके तो प्रॉपरली बेटा अपन ने आज 2 मीटर के बारे में डिस्कस किया, तो समझ में आया होगा कि अपन ने कौन कौन से मीटर पढ़े और कहां कहां से क्वेश्चन आते हैं, वो चीजें मैंने सब कुछ आपको डिस्कस किया है। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे को कॉमेंट करके जरूर बताएं, जिससे मैं आपको प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें यार, क्योंकि हम इतनी मेहनत करते हैं, बहुत कम बच्चे लाइव आते हैं, बिल्कुल यार एक उत्साह सा टूट जाता है, मनोबल टूट जाता है हमारा भी। कब बनता है, जब यहां पर 100+ अगर अपने व्यूज चलते हो तो यार पढ़ाने का कुछ लेवल भी अलग होता है और पढ़ाने का तरीका भी बदल जाता है यार। पर करना क्या होगा इसके लिए, आपको ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड सर्किल के अंदर या फिर फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, बस ज्यादा से ज्यादा बच्चों को लाइव लेके आए। और ये जो आपकी क्लास रहती है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास रहती है, राइट 10 बजे क्लास स्टार्ट होती है। तो सारे बच्चों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि यहां पर 10 बजे क्लास स्टार्ट होने से पहले आप 1 मिनट पहले जरूर आए, और आगे का जो ओपन डिस्कस करने वाले हैं मीटर, वो अपने पास रहेगा एनर्जी मीटर, KWH मीटर, किलोवाट हावर मीटर। ओके तो वो अपन कल डिस्कस करेंगे, आज के लिए बस इतना ही। फिर भी कोई प्रॉब्लम आए, कोई सजेशन करना है तो बेटा कमेंट जरूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।